हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच अपना मैं हैंडसॉन रिव्यू देने जा रहा हूं। HP का जो ओमेन सीरीज का जो लैपटॉप है उसके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा। अगर जो आप कोई बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या वीडियो एडिटिंग के तलाश में थे, अगर आपको ज़रूरत थी, तो ये वीडियो बस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसका जो लुक है आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको मिलेगा। ऊपर साइड में ओमेन का लोगो और बैक साइड की बात करें तो आपको जो है गेमिंग का आपको जो है बहुत ही खतरनाक लुक मिलता है। और टेबल पर रखने के लिए आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको दिया गया है और थोड़ा जो है उठ के रहता है, तो मतलब टेबल पर रखने में काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और साइड से ओवरव्यू की बात कर लें, फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको मिल जाएगा यहीं पे एक USB पोर्ट लेफ्ट साइड में, और जो चार्जिंग पोर्ट है वहीं पे मिल जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव या फिर कोई केबल को यूज़ करके कनेक्ट करने में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड में देखेंगे तो ये बहुत ही लिमिटेड लैपटॉप होता है, जिसमें कि आपको बैक साइड में इस तरह से लुक मिलता है। तो यहाँ पर आपको साउंड के लिए भी आउटपुट का साउंड के लिए मिल जाता है डुअल स्पीकर, और बैक साइड में आपको मिल जाएगा एक थंडरबोल्ट पोर्ट भी, जो कि और USB टाइप सी भी मिल जाएगा, और साथ साथ इथरनेट और एक USB 3.1 का पोर्ट और USB 3.0। तो आपको बहुत सारे पोर्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है, और थंडरबोल्ट का भी पोर्ट आपको मिल जाएगा। थंडरबोल्ट का जो यूज है, आप बड़े बड़े हार्ड डिस्क को अगर डायरेक्ट अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो इसका थंडरबोल्ट का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और यार मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा, अगर जो आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे रिलायंस डिजिटल स्टोर से आप ख़रीद सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स वगैरह मिल जाएंगे। मैं भी अपने ब्रदर के लिए एक लैपटॉप में ढूंढ रहा था, तो मैंने वहीं पे इसे भी चेक किया, तो आप कंसिडर कर सकते हो, वहाँ से ख़रीदना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑफ़र की जो है और भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर पोर्ट्स तो आपको हर चीज़ का मिल ही जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा हेडफोन जैक भी, और एक और आपको 3.1 का पोर्ट मिल जाएगा, इसमें 3.1। तो आप इसे अल्टीमेटली तरीके से अपने केबल्स वगैरह को आप यूज़ कर पाओगे। और इसमें और भी खतरनाक फीचर है इसके डिस्प्ले के, और भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसे पहले इसका वेट की बात कर लें तो 2.3 kg का है, और जो कि ज़्यादा नहीं है। एक गेमिंग लैपटॉप अगर इतना वेट है तो ओवरऑल सही है। और इसके चार्जर एडाप्टर की बात कर लें तो आपको इस तरह से एडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें मुझे कमियां लगी कि यार आपको जो है चार्जिंग के लिए वही राउंड वाला जो आपको स्टाइल मिलता था पोर्ट, उसी तरीके से आपको मिलता है। यार USB टाइप सी देना चाहिए चार्जिंग पोर्ट भी, बट नहीं है तो चलेगा, इस तरह से आपको पोर्ट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब इसके जो है मैन की फीचर की बात करें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यार इसका जो डिस्प्ले है वो जो है फुल HD LED बैकलाइट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एंटी ग्लेयर कैसे है वो आपको मैं आपको प्रूफ के साथ आगे मैं दिखाता हूँ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसके बारे में जान के। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है फुल HD वाला 1920x1080 वाला, और इसका जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो है 144Hz का। ये देख सकते हैं 144Hz का आपको लोगो मिल जाता है बॉटम साइड में। और इसमें जब आप गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आपको मिलेगा। और ये जो वेरिएंट आता है ये है 8GB और 1TB, और साइड से आपको मिल जाएगा 128GB का SSD मिल जाएगा, जो कि विंडोज़ 10 के साथ आता है, और इसका प्रोसेसर जो है i5 है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मैंने आपको बोला था, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो मैं फ्लैश लाइट जला रहा हूँ तो वो आपको लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखता है, तो आपके आँखों पर जो है असर लाइट का उतना नहीं करेगा, इसलिए इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी हाई क्वालिटी का है, काफ़ी बेहतर डिस्प्ले है। अगर आप देखो तो रिजल्ट आपको सामने दिख रहा होगा, और नीचे आपको ओमेन का ब्रांडिंग भी मिल जाता है स्क्रीन के नीचे, और कीबोर्ड के ऊपर आपको ओमेन लिखा हुआ मिल जाता है, और इसमें आपको LED लाइट भी मिल जाता है, जहाँ पर आप चार्ज वगैरह करोगे तो उसके साइड में आपको चार्जिंग का जो है आपको एक LED लाइट मिल जाता है। और इसमें जो वेबकैम है वो नॉर्मल जो है HD वेबकैम है, वाइड है,
और यार सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, जो कि सबसे मेन है इसमें जो ग्राफिक्स है, ये जो है 6 GB इसमें ग्राफिक्स है और इसका प्राइस जो है आपको पड़ता है 1,37,000, जबकि 4 GB ग्राफिक वाला आपको पड़ेगा 1,02,000 समथिंग, और इस तरह से आपको मिलता है। तो इसके और भी बात कर लें एडिटिंग रेंडरिंग में टाइम, तो इसमें भी मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया, तो उसमें नॉर्मली एक्सपोर्टिंग टाइम आपको लग जाएगा, अगर फुल HD वीडियो एडिट करते हैं 5-6 मिनट का, तो आपको 7 से 8 मिनट तक का एक्सपोर्टिंग टाइम आपको लग जाएगा। फिल्मोरा वगैरह काफ़ी स्मूथ सब सॉफ्टवेयर चलता है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, डिस्क्रिप्शन में जो है सभी ऑफर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।